Orange coat wala. You are not simply a film star. You are not simply a beautiful. You are simply a living legend. Oh, yeah. Wo to Rohan ki mamu. Kya karte hai? I think kapdon ka business hai. Second hand kapdon ka. Shayad, I'm not sure, but haan, I think. Kyun kya hua? Kuch nahi, meri tabiyat kharab ho rahi hai. I'm feeling dizzy. Kya hua? Kuch Danish. प्लीज मुझे घर छोड़ दे। क्यों आपकी? बाद में बताऊंगी अभी तबियत खराब, मुझे घर छोड़ दे। बट क्या हुआ आपकी तबियत? बस प्लीज चलो आ जाओ। अम्मा जी क्या कर रही हैं? मस्त जाओ। सनम जी क्या आप दोबारा सिनेमा में आएंगी? जी मेरा तो बड़ा अरमान है कि मुझे एक अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए। कम से कम 15 करोड़ की सर्च में हूँ मैं और इंशाल्लाह सुपरहिट फिल्म बनाऊंगी। मशीन 15 करोड़ मांग रही है, आप ही फिल्म प्रोड्यूस करते हैं? 15 करोड़ बहुत ज्यादा है यार। मामा जी लव के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बहुत महंगा है प्यार ये वाला। बात ये है कि लिखना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना, उसमें अपनी पर्सनल डिटेल डालना आसान काम नहीं है। तो आपके प्यार का, हाँ जी आपकी मोहब्बत का और आपकी जप्पियों और पप्पियों का थैंक्स, आई लव यू टू, शुक्रिया। बहुत अच्छी किताब थी, मैं जरूर पूरी पढ़ूंगा। मैं गाड़ी में खाता हूँ। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप भी एक्टिंग करती हैं। आपको नहीं पता था कि मेरे वालिद तो पार्टीशन से पहले भी फिल्में बनाते थे, पार्टीशन के बाद भी। माजी ये गड्डी है, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है, ओके। वाकई आपकी तो फैमिली शुरू से ही फिल्मी है। हाँ और मुझे तो लगता है अब आपकी फैमिली भी इसी तरह है, क्योंकि रोहान तो बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर लेता और फिल्म मेकिंग भी बढ़ा है ना। लड़कों की बात और होती है ना, खवातीन हमारे खानदान में ऐसा काम नहीं किया। मामा वो डैड गाड़ी में वेट कर रहे होंगे, चलें। ऑफ कोर्स, मैं और रिजवान एक दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आएंगे आपके तरफ। शादी की डेट फिक्स करनी? ऑफ कोर्स, शादी की डेट भी तो रहती है। चलें बेटा। जी चलें। ओके दादू, यू लुक सो गुड, इतनी प्यारी लग रही थी आप। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ है तुम्हारे बाबा, कहाँ है? एहसान, ये देख रहे हैं कितनी अच्छी तस्वीरें आई हैं। हाँ आपकी और मेरी तो बहुत ही अच्छी आई है। दानिया बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ माशाल्लाह। ये देखिए सवेरा, बड़ी ऑफ लग रही थी, मुझे समझ में नहीं आया उसको क्या था। ऑफ लग रही थी? मुझे तो बिल्कुल सही लगी। ये लगा ना तो उसे हमारा माहौल अच्छा लगा, हमारा बिजनेस भी कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा। हमारा बिजनेस अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो अलग बात है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे घर का माहौल और हम उन्हें समझ भी नहीं आए, ये कैसा हो सकता? रिजवानों में एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। कुछ फिल्मी विल्मी कह रही थी वो हमें। मुझे तो सारे खुश लग रहे थे, रोहान बड़ा खुश था, रिजवान खुश लग रहा था, मम्मी और चुगताई तो सबसे ज्यादा खुश लग रहा था। उसका तो बस नहीं चल रहा था ना कि वो स्टेज पे छलांग मार दे। माँ जी उसकी वजह से सवेरा का मूड ऑफ हो गया। आई एम टेलिंग यू। खैर चाय देना जरा मुझे। जी मैं देती हूँ। वो शादी की तारीख लेने के लिए जल्दी आना चाहते हैं। शादी की तारीख आपको किसने कह दिया? कह रही थी सवेरा कि मैं तो दानिया को साथ ही लेके जाऊंगी और शादी की तारीख लेना चाह रही हूँ। अच्छा देखते हैं, उन्हें आने तो दे। 20 साल का हिसाब है दानिया, जब तक ये क्लियर नहीं होगा
ये गिले और शिकवे नहीं खत्म होंगे। दानिया भी हुए? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस वैसे ही अजीब सा फील हो रहा है। परेशान नहीं होते, हम हैं ना साथ में। हाँ हाँ, तो चलो मैं ऐसा आपके कपड़े इस्तरी करके आती हूँ, फिर बात के बातें करें। डन, मैं वेट कर रही हूँ। अंदर आओ। वो मैं सोच रही थी कि मैं ये शेल्फ्स गंदे हो रहे हैं तो मैं ये साफ कर देती हूँ थोड़ा, किताबें वगैरह। वो तो मैंने सुबह साफ करवाए। अच्छा, इधर आके बैठो। वो क्या बात? पता नहीं मुझे ये बात आपसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मैंने कुछ गलत सुना हो। अमूमन ऐसी बातें जिन पे यकीन ना हो वो अंदर ही रखी जाती हैं। तो मतलब मैं आपको उतनी बात बता दूं जिस बात पे मुझे पूरा यकीन है और जो मैंने क्लियर सुना है? बोलो। देखें, आप ये बात तो जानते हैं ना कि दानिया बीबी मेरी छोटी बहनों की तरह है। मुझे मालूम। और रोहान साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो। अच्छा फिर? तो बताना आपको ये था कि ये दोनों आपस में शादी नहीं करना चाहते और उन्होंने ये मंगनी सिर्फ आपकी खातिर की है। ये तो मुझे मालूम है। लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि उनका शादी का इरादा नहीं था और उन्होंने ये फैसला किया था कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो वो ये मंगनी तोड़ देंगे। तुम्हें कैसे पता? इस दिन रोहान भाई आए थे तो मैं उनको चाय देने गई थी गार्डन में, जब वो दोनों ये बात कर रहे थे। तारीख तय करने से पहले एक बार दानिया बीबी से जरूर बात कर लीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। मंगनी के फंक्शन में तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, अब मुझे ठीक हुए इतने दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ साहब कि इससे पहले कि कुछ गलत हो आप कुछ कर लें। और मंगनी पे तो वो दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। गुड़िया माँ जी, ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हैं? रोहान की मम्मी ने कुछ बोला? पता नहीं। इधर तो देख, बताना मुझे, तुझे किसी ने कुछ कहा तो नहीं है? मैं ना पहले से ही बहुत उधार खाए बैठी हूँ, किसी से भी पंगा कर लूंगी तेरी खातिर। कुछ नहीं, मुझे आप ये बताएं दादू ने क्या बोला है? कि रोहान की मम्मी को हमारा खानदान पसंद नहीं। तो अगर ये बात थी तो उन्होंने फिर मंगनी क्यों की? मैं भी तो यही बात सोच रही हूँ ना गुड़िया, समझ नहीं आती पई मैनू। बहरहाल तू ना फिक्र ना करे, रोहान जो है ना बहुत नाइस लड़का है और तेरे साथ जचता भी बहुत है, मैं देख लूंगी। बस उसकी सनम जी आप दरमियान में नहीं पड़े, बाबा और दादू हैंडल कर लेंगे, हो जाएगा सेट। ओके, बट आई लव यू। लव यू टू।
ऑपी आप तो ठीक लग रही हैं, वहां पे क्या हो गया था आपको? वहां मेरा बिजनेस खतरे में पड़ गया था। मतलब मैं जिससे कपड़े लेती हूँ वो वहां पहुंचा हुआ था और मुझे देखे जा रहा था। ये तो एक दिन होना ही था, आपका भांडा तो फूटना ही था। ऐसा नहीं बोलो यार, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है, और जब तक मेरा अपना आउटलेट नहीं खुल जाता ना, मैं इस बिजनेस का डूबना अफोर्ड नहीं कर सकती। आप ही वैसे क्या जरूरत है आपको पुराने कपड़े रीडिजाइन करके बेचने की? आप यही काम ईमानदारी से भी कर सकती हैं, आखिर आपने डिग्री ली हुई है। सस्टेनेबिलिटी कहते हैं इसे, और यहाँ तो सिर्फ उल्लू बनाने की डिग्री चलती है जो कि मेरे पास है, वरना इन डिग्री वालों की तरह ना मैं भी मारी मारी फिरती। आप ही आप जिससे उल्लू बना रही थी उसने आपको देख लिया, इसका मतलब है वो अब आपको उल्लू बनाएगा। बस उसका नाम क्या है? चुगताई, और उसका ड्राइवर जेम्स। आप ही आप तो काम से गई, वो तो रोहान के मामू है, दुनिया के निहायती कंजूस तरीन आदमी, और जो सनम जी है ना उनके दिलो जान से आशिक। यानी मुझे सनम से दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जो मैं करती हूँ वो करेगी। नाइस। आप ही मुझे तो आपका फ्यूचर बहुत खौफनाक नजर आ रहा है। हाँ हेलो तानिया। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। तुम बताओ खैरियत? आपको मुबारकबाद देनी थी और आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने मेरी बात मानी। बहुत शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम अगर मुझे इनकरेज ना करती तो मैं ये किताब कभी ना लिख सकती। सनम अब तक वापस नहीं गई, एहसान ने शादी तो नहीं कर ली उससे? अरे कैसी बातें करे, एहसान का ना कभी पहले इरादा था और ना अब है। तो फिर किस हैसियत से रह रही है सनम एहसान के घर में? ये एहसान का नहीं, मेरा घर है, और मेरे घर में जो भी मेहमान आता है उसकी इज्जत करना सब पे लाजिम है, सब मानते हैं मेरी बात। जब मेरा मुश्किल वक्त था तब तो किसी ने ना मानी आपकी बात। मानी थी, इसीलिए तो तलाक तक नौबत नहीं आई, ना आने दी मैंने। क्या फायदा बीजान, एक दिन ये अनदेखा सा ताल्लुक टूट जाएगा। खुदा ना खास्ता, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? आपको शायद एहसान ने बताया नहीं, घर आए थे वो मेरे और क्या कहकर गए। अच्छा, तुम्हारे घर आया था? उन्हीं से पूछिएगा। ओके, चलो मैं आऊंगी तुमसे मिलने किसी दिन। ठीक है बीजा, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है, कब जान छूटेगी इस औरत से? मुझे एक अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए, कम से कम 15 करोड़ की सर्च में हूँ मैं, और इंशाल्लाह सुपरहिट फिल्म बनाऊंगी।
चुगताई, इस लड़की के और तुम्हारे अरमान तो ना मैं अभी पूरे करती हूँ। इतना मैंने तुम्हें समझाया, कुछ समझ में नहीं आया जो अब तक उसके दीवाने बने फिर रहे हो। अरे ऐसा क्या किया है बेचारे ने? आप ना जाकर सो जाइए, मैं चुगताई से बात कर रही हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, प्लीज खुदा का वास्ता कहीं ना जाएगा, मुझे अकेला ना छोड़िए। मैं क्या कर लूंगा अब भाई साहब, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, प्लीज रुक जाए। तुम और तुम्हारे मेजबान भाई वैसे ही कि थाली के चट्टे बट्टे, पर वैसे भी तुम लोगों ने तो फ्रेडी को भी बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल ही बिगाड़ दिया है। मैंने आ जाऊं इस्लामाबाद से वापस, जाके बात करके आऊंगी रोहान के रिश्ते की। पापा पापा प्लीज 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 प्लीज। वही बात तो करने आई थी, तुम्हारी भी बात शुरू कर रही। What? यार अलविया, तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा आपका दिल मोम कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे। देखो सुनामी से पहले समंदर पीछे हटता है। सुनामी किसे कह रहे हैं? भाई साहब अब मुझे तो सुनामी कहेंगे नहीं। नहीं मेरा मतलब है आपके सामने तो मैं छोटी सी आंधी हूँ ना। तुम्हारी ना बहुत जबान चलने लग गई है। इस्लामाबाद जा रही हूँ, वापस आकर उस लड़की का पता करती हूँ। शर्म नहीं यानी कि कोई और। और चुगताई कान खोल कर सुन लो, इस्लामाबाद से वापस आ जाऊं तो मुझे सनम जान की ना एक भी निशानी इस घर में नजर आनी नहीं चाहिए। उस लड़की का पता करूंगी और तुम्हारी बात चलाऊंगी। और हाँ कान खोल कर सुन लो अच्छे से, हमारे घर में उस फिल्मी खानदान से सिर्फ एक ही लड़की आएगी, क्योंकि वही काफी है, और कोई नहीं आने वाली। अगर मुझे पता होता कि दानिया की दादी जो है वो अदाकारा है तो ये बात कभी होती ही ना। पापा, उस फिल्मी खानदान से अगर एक लड़की आएगी तो वो शर्म जानी होगी, सुनने आप। चप्पल उतारो या खुद ही सुधर जाओगे तुम। जब मैं वापस आऊं तो अपने अरमानों को और सनम जान की चीजों को दफना देना तो बेहतर होगा, वरना ना मैं तुम्हें दफना दूंगी। हाँ नो वायलेंस साहब। नहीं खोलेंगे, बहुत ही लंबी क्लास हुई है। मुझे पहले पता था मामा नहीं छोड़ेंगे। धमकी दी गई है कि अपने अरमानों और तस्वीर को दफन कर दो, वरना सुबह होते ही तस्वीर के साथ तुम्हें भी दफन कर देंगी। मामा जी आप जिंदा है? खोलें वरना मामा को बुला रहे हैं हम। ओ यार दरवाजा खुला है, आ जाओ। चेक ही नहीं किया। चल प्लीज आप पहले। मैं पराया होने वाला हूँ। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? यार मेरे लिए उन्होंने एक लड़की पसंद कर ली। क्या मतलब, वो जबरदस्ती आपकी शादी करवा देंगे क्या? लगता तो यही है उस संदिग्ध औरत ने यही करना है, लेकिन मैं किसी और का नहीं होऊंगा, मैं हरगिज ये शादी नहीं करूंगा यार। मामा जी हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे एक बात बताएं, उन्होंने लड़की इनॉग्रेशन पे पसंद की है? Yes. मना भी किया था आपको उस लड़की को ताड़ने से। ओ यार मैं किसी लड़की को ताड़ नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ कपड़े पहचान रहा था यार रोहान। यानी थंगाबली की बहन? कुछ तो खुदा का खौफ करो आप दोनों, एक उसकी मंगेतर के पीछे पड़ा हुआ है, एक उसकी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, जरील करवाने का इरादा है। क्या शक्ल दिखाऊंगा मैं अंकल एहसान को? पहली वो मुझे तो तुम्हारे आसार सही नहीं लग रहे। क्यों? वो औरत जिसे मैं आपा बेगम कहता हूँ और तुम मम्मी कहते हो ना, वो तुम्हारी और मेरी मोहब्बतों की दुश्मन है। याद रखना मेरी बात, वो ना तुम्हारी शादी होने देगी, ना फ्रेडी की और ना मेरी। अरे मैं कहाँ से बीच में आ गया? हाँ माची कितनी काली जबान है आपकी, प्लीज ऐसी बातें ना किया करें। ओ भाई आज ही आपा बेगम का हुक्म आया है कि सनम जान की तस्वीरों को मैं दफन कर दूं और उनके साथ खुद भी दफन हो जाऊं। भला बताओ यार ऐसे कौन जिंदगी गुजारेगा यार, मुझसे तो कुछ नहीं बर्दाश्त हो रहा भाई। चुप कर जाए यार मामा जी। रेडी चल कफन दफन का इंतजाम कर। किसके? मुझे सनम जी की तस्वीरों का। नहीं यार ये मजाक चल रहा ना। अरे नहीं यार। ओहो बल्ले 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 बल्
कजन मैरिज का अंजाम लग रही है। हाय माजी, शिट करो, आग लग गई। इसको आग लग गई? हाय आग लग गई। फायर ब्रिगेड को फोन करो फौरन, जल्दी से। मेरे दुश्मनों को ना? दुश्मन? आपके दुश्मन? आपसे किसने दुश्मनी कर ली है? जान नहीं पाई उनको। ओहो, उस मीसनी को देखो, तानिया मेरी बहू है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। माँ जी, एहसान साहब ने शैला से शादी कर ली है। क्या तुम उस शैला की बात कर रही थी? जी जी, आपको लगा मैं तानिया की बात कर रही हूँ? ना माँ जी, उसकी चमची उन्हें ना मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी पोस्टों के नीचे कमेंट्स लिखे हैं। क्या लिखे? वही नॉनसेंस कि मैंने एहसान साहब से शादी कर ली है और कि इसीलिए मैं इस घर में रह रही हूँ, और कि खैर से बुक लॉन्च पे माँ जी ने मेरी खूब तारीफें की है। जब भी तो क्या? नहीं कुछ नहीं। ऑफ कोर्स उन्होंने आपको कॉल की होगी। दादू, अगर उन्होंने इन गॉसिप्स पे बिलीव करना है ना, तो दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, ये उनका मसला है। यस, ठीक है। और हमें भी पता है, हम सबको पता है कि ये पिछली बातों की तरह अभी भी झूठ है। अगर वो आपको कॉल करे तो उनको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने टेंशन नहीं लेनी। ओके, लव यू। दिल चाहता शैला की बच्ची को शूट कर दूं मैं। माँ जी, उसने आपको फोन किया था? तानिया ने? हाँ किया था, मगर अब ये मत पूछना कि क्या कहा था। मुझे तो शुरू से ही पता था माँ जी कि मुझे मंगनी के बाद चले जाना चाहिए था। खबरदार जो यहाँ से हिली होगी तो। सारा मूड ही खराब कर दिया। लड्डू जी बाबा। तुम यहाँ बैठी भी हो? What happened? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? हमारी फेवरेट कॉफी। No way. ये उसी तरह ही आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी बनाई है ना इसमें? Oh my God, I love it. ये वो फ्रॉथ वाली जो आप बनाते हैं। बाबा, I love this. आप जब भी बनाते हैं ना, this is a 10 out of 10 every single time. उफ, मुझे बहुत पसंद है ये वाली कॉफी। बेटा, वो तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि रिजवान और सवेरा आ रहे हैं तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने के लिए। दादू ने बताया। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में बेटा? बेटा, कुछ बातें मैं तुम्हारी समझ जाता हूँ और कुछ नहीं, लेकिन आजकल तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत कंफ्यूज कर देती। बाबा, आपने मुझसे जब भी कुछ भी पूछा है, मैंने हमेशा क्लियर लिया आपको बताया। तो फिर ये भी बता दो। बेटा, ये तो तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो कि रोहान से शादी तुम सिर्फ मेरी वजह से कर रही थी। कि अब भी तो मेरी वजह से ही कर रही हो कि तुम रोहान को पसंद करने लगी हो? बाबा, रोहान एक बहुत अच्छा लड़का है और मुझे उससे शादी करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन लेकिन शादी से पहले मुझे अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो तुम्हें किसने मना किया है? ये लो, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो। I've always encouraged you. Really? Absolutely. Oh, बाप बेटी क्या प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। क्या आ गई? मैं आती हूँ तो आप चले जाते हैं? चले जाएं। हाँ जी। अच्छा बात सुन, तूने शादी की तारीख के लिए एग्री कर लिया? पर नहीं, बाबा ने शादी से पहले सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की परमिशन दे दिया। वाह वाह, कितना अच्छा फादर है तेरा, है ना? मेरा प्यो भी इतना अच्छा होता ना, तो दुनिया में आग ला देनी सी। मेरे बाप ने तो गंदम की फसल से ऊपर कभी देखा ही नहीं। ये थी मेरी लक। लेकिन खैर छोड़, तू बता कि फिल्म का क्या बना? मैं तुझे कहानी बताऊं? सनम जी, एक्चुअली मैं बाबा से पैसे नहीं लेना चाहती। अच्छा, मेन परमिशन उन्होंने तुझे दे दी है लेकिन पैसे नहीं दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस उनसे पैसे लेना नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद करूँ सब कुछ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं भी दिमाग लड़ाती हूँ जरा। कॉन्टैक्ट्स लड़ाए ना अपने। हेल्प करें। हाँ, एक है मेरे दिमाग में, सोचती हूँ। मैं जरा तेरे बाप को तंग करने जा रही हूँ। एहसान साहब, एक्सक्यूज मी। यार, अपना कमरा बहुत ऊपर नहीं है? मेरी तो टांगे रह गई ऊपर जा जाके। ये खामोशी क्यों आज, है ना? मोहब्बत। तेरे अंजाम पे रोना आया।
हम चले इस जहां से। लौट गया यहां से। मामा जी आप ठीक है ना? क्या हुआ मामा जी? उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहां से। क्या मतलब मामा जी? मामा जी क्या हुआ? मामा जी फुकोश कर रहे हैं। मामा जी मामा जी मामा जी बोलो मामा जी। अरे दरवाजा खुला हुआ है कमबख्तो, मुझे अपनी मोहब्बत का मातम तो बुला लेने दो। खोले मामा जी ये क्या कर रहे हैं? मामा जी सनम जी को क्या हुआ? किसने मार दिया इनको? मामा की बातों की वजह से जान दे दी मैंने। मारी माँ की बातों की वजह से मेरी मोहब्बत मर गई। हाय 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 मामा जी, आशिक तो जान दे देते हैं, दुनिया से लड़ लेते हैं, और आपकी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि एक मामा की वजह से मर गई। कर जा फैडी, अगर तूने अपनी मामा का नाम भी नहीं आना तो मैं इस तस्वीर के साथ तुझे भी दफना दूंगा। मुझे ना रोकना। अगर ऐसी बात है तो चलो भाई जनाजा उठाओ, मिलके उस साइड से आओ। ला लेके जाना। नहीं मामा जी हौसला करें, मामा जी हौसला करें, आराम से उस साइड से। इतने साल इस तस्वीर के साथ यही तो मेरा एक सहारा थी। आराम से संभाले अपने आपको मामा जी। मुखड़ा मुखड़ा मूवी याद करेंगे कितनी अच्छी लगी। किसका देखूंगा आप मुखड़ा? हौसला मामा जी हौसला। अच्छा सना खुदा हाफिज़। रोक लो। बस मामा जी कहाँ लेके जा रहे हो यार? देख के लड़को बहुत नाजुक अंदाज है वो यहाँ। सबर करे मामा जी सबर करे, एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना। हाँ लेकिन मैं कैसे जीऊंगा सनम जी के बगैर? मैं इधर हूँ जी। सनम जी बॉयस ये क्या कर रहे हो तुम लोग, और ये तस्वीर किसकी है? आपकी तस्वीर है। मामा जी कह रहे थे इसको गोल्डन फ्रेम लगवा के आए। भाई चले गोल्डन फ्रेम लगवाने? हाँ चलो चलो चलो। बहुत क्यूट। सनम जी आप मेरे लिए शुक्रिया, क्यूट आपने मेरे लिए कहा। और किसको कहूंगी चीची, आप तो मेरी होने वाली फिल्म के प्रोड्यूसर है ना? मैं प्रोड्यूसर? आपकी फिल्म का कैसे? एक्चुअली माजी की बुकलांच पर सबसे ज्यादा तानिया आपने बजाई जब मेरा जिक्र हुआ ना, तो मैं बड़ी टच हो गई। सो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई साइन होगा कि जो इंसान आप पर जानो माल छिड़कने के लिए तैयार हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुनन जी मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन माल जरा। अच्छी स्मेल है इनकी, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। Can I take you for coffee? Coffee? ठीक है, तैयार हो जाए जाके। बिल्कुल। James, मेरे कपड़े तो तैयार करवाओ। I will wait for you. I'm coming. भाई, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ लड़कियों से इकरार कैसे करते हैं। ये भी कुछ सोचने वाली बात है, मुझसे पूछ लेते हैं। सीधा सीधा जाएं और लड़की को कहें कि शादी करनी है कि नहीं। और वैसे भी टाइम इज परफेक्ट, इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं है। ओ जी मामा की कॉल है, शादी अटेंड करने गई तो शादी अटेंड करें, हमें क्यों तंग कर रही हैं? उठा लेना यार, इसके बाद मुझे फोन आएगा। उठा। जी मामा। फ्रेडी फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी? काम कर रहा था मामा।
चुकता ही कहाँ है? दो घंटे से उसे फोन कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा। मामा जी भी काम पे गए हैं। काम पे चला गया तो क्या हुआ, फोन तो उठा सकता ना, तुम क्यों नहीं गए हो साथ? मामा मैं तो माहम के साथ काम कर रहा हूँ ना। माहम के साथ? माहम के साथ क्यों? तुम तो चुगताई की हेल्प के लिए रुके थे ना कारोबार में। जी मामा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने। अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी। पता नहीं हमारे खानदान के तमाम लड़कों को क्या हो गया है कि दानिया के खानदान की हर लड़की के पीछे पागल हुए चले जा रही है। हद होती है कोई। सीरियसली जी बेटा हो गई तुम्हारी? मेरी तो हो गई है, अब मामा जी की बारी है। चले लेकिन आपको अंदर अकेले जाना होगा। तो तुझे क्या लगता है तुझे साथ लेकर जाऊंगा? भाई हद हो गई है, ड्राइवर माली चौकीदार सब मुझे बनाया है आपने। भाई नाराज ना हो, एक वक्त आ गया तेरा बड़ा भाई भी तेरे काम आएगा। चल मेरा शहजादा आजा आजा। देखो दानिया मुझे तुमसे एक बात करनी है, सीरियस नहीं। अब दानिया वो तुमसे कुछ कहना था। असल में देखो। हेलो। हाय सॉरी मैं बगैर बताया। तुम हमेशा ही बताए बगैर आते हो, पर इट्स ओके आई नो। ट्रू। आओ बैठो अपने घर समझो कि बातचीत करो। रोहन आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग, तुम मेरे घर आए हो मुझसे कुछ पूछने तो सवाल भी तुम्हें मुझसे ही करना चाहिए राइट? पॉइंट पॉइंट। मैंने तुमसे कुछ पूछना था। तो पूछो। पूजा पूजा तो आज तुम वो राहुल बन के आए हो, फिर तो कोई बहुत ही फजूल सवाल पूछना होगा। पूछो। पूजा पूजा पूजन तुम्हारा कोई भी जवाब मेरे लिए फजूल नहीं हो सकता। तो पूछो फिर। पूछो। हाँ ना सीक्रेट सवाल मैं भी नहीं कहूंगी। तो नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं। पूछो जल्दी। अच्छा एक बात बताओ। बोलो। अपने बाबा के बाद तुम्हें सबसे ज्यादा किससे प्यार है? राहुल पूजा से उसके बाबा के बारे में पूछने आया, कहीं वो पूजा से अपना नाम तो नहीं सुनने आया? ओ नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर मेरा जवाब वही है जो मैंने उस वाले राहुल को दिया था। जो बाबा कहेंगे वो मेरा फैसला है। ये तो जुल्म है। मैं जालिम हूँ। मैं आशिक हूँ। मैं कातिल हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। मैं भागना चाहता हूँ।